काफी टाइम इन टर्म्स ऑफ फिजिकैलिटी लगा, बिकॉज मैं उसी टाइम फ्रेडी फिल्म करके निकला था और सत्यप्रेम की तुरंत शूट स्टार्ट हो गई थी, एंड वहाँ ऐसा कुछ फिजिकैलिटी का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मेरी आदत थी बहुत बड़ी, मैं एक तो मैं फूडी था ही, और उस टाइम तो मैं एकदम ही बिना किसी रोक टोक के बस खाना खा रहा था जो भी था मन में, एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द कैरेक्टर ऑफ सत्तू वॉज अगेन डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक मुरलीकांत सर, बिकॉज वो एक रियल लाइफ स्टोरी भी है, और उसमें जो जो उनके लाइफ के चाहे वो अचीवमेंट्स हो, गोल्स हो, चाहे उनके सपने हो, या फिर उनका जिस तरीके से उनकी लाइफ शुरुआत से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक और फिर उसके बाद किस तरीके से गई है, वो आई डोंट थिंक सो मैंने वैसे तरीके का किरदार, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो उससे पहले सोनू या कोई भी कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया हो, आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसी फिल्म या ऐसा रोल मैंने कभी प्ले किया हो, तो वो मेरे लिए एकदम ही अलग सी चीज़ थी, एकदम डिफिकल्ट काम भी था, एंड तो पहली चीज़ थी फिजिकैलिटी में जाना, एंड दूसरी चीज़ साथ साथ क्योंकि इसमें डायलेक्ट भी था, थोड़ा सा मराठी डायलेक्ट था साथ साथ, जिस तरीके का उनका सोचने का तरीका था, ये सारी चीज़ें कबीर सर ऑफ कोर्स हेल्प मी विथ ऑल ऑफ दिस बिकॉज ही हैड स्पेंड टाइम विथ मुरली सर, एंड इनके दिमाग में जो एक छवि इन्होंने उनकी बातों से या उनके हर चीज़ से एक ऑब्जर्व करके एक पॉइंट ऑफ व्यू जो रखा था वो उन्होंने मुझे दिया, एंड तो आई यूज टू फॉलो दैट, एंड सो आई जस्ट फॉलोड कबीर सर ब्लाइंडली कि जो भी उन्होंने मुझे कहा मैं बस उस चीज़ को बस एक स्टूडेंट की तरह फॉलो करता रहा, एंड या आई एम रियली ग्लैड दैट दिस हैपेंड एंड दिस ट्रांजिशन और एवरीथिंग, मैं सत्तू ही नहीं मैं बोलूँगा कि ये मेरा मेरे लिए आई थिंक इट्स मी बिफोर चंदू एंड आफ्टर चंदू, ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है, इट्स सो मच ऑफ अ चेंज दैट दिस फिल्म एंड दिस रोल हैज़ ब्रॉट इनटू मी एंड माय लाइफ.